उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आज से 2 दिवसीय पूर्व सैनिक पेंशन समस्या निवारण संबंधित विशेष कैंप का आयोजन होने जा रहा है। बेटन सेल बरेली और पीसीडीए प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में कैंट के ईची एएसएच पॉलीक्लिनिक पर विशेष कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पेंशनर की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस कैंप में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और विधवा पेंशन समस्या का निवारण हो रहा है। आपको बता दें, वेटरन कर्नल विनोद कुमार ने बताया, इस कैंप का आयोजन 2 दिन तक रहेगा, जिसमें बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर के पेंशनर वृंगनाओं की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। देखिए, ये यहाँ पर जो आज हमने अपने भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगना और उनके परिवारों के लिए जो प्रोग्राम किया है, ये एक तरह से आउटरीच प्रोग्राम है और पेंशन समाधान आयोजन है। इसके लिए हमने इलाहाबाद पीसीडीए पेंशन से भी टीम बुलाई है। यहाँ पर आप देखेंगे जिला सैनिक वेलफेयर ऑफ जो कल्याण अधिकारी हैं बरेली की, उनकी भी टीम आई हुई है। और हमारी कोशिश है कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक वीरांगनाज और जो उनके परिवार हैं, उनको कोई भी पेंशन संबंधी और जो विसंगतियाँ हैं उनकी पेंशन में, ड्यूल फैमिली पेंशन में, या जो उनको वेरियस ग्रांट्स जो मिलनी चाहिए वो जो नहीं मिल पा रही हैं समय से, अभी स्पर्श का माइग्रेशन हुआ है उसके संबंध में भी हम पूरा यहाँ पे पूरा इस तरह का आयोजन कर रहे हैं कि उनकी विसंगतियों को हम यहीं पर ख़त्म कर पाएँ। इसके लिए हमने पहले से ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से, अपने बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये वाइड पब्लिसिटी की थी। और इसमें हमारे पास में जो आज अभी तक जो भूतपूर्व सैनिक वेटरन्स जो आए हैं, ये हमारे जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, पीलीभीत, बरेली, उन सब की हमारी कोशिश है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं निपटा सकें। और कल भी हम ये आयोजन करेंगे और आगे भी जिस तरह से हमें देखेगा जरूरतें पड़ रही हैं, उसके आगे भी हम दूर दूर जगह पर जा करके इन सब चीज़ों का कार्यक्रम करते हुए कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को हम यहीं पर निपटा सकें। क्या कुछ? आई एम दीपक कुमार डब्ल्यू फ्रॉम पीसीडी पेंशन इलाहाबाद। हम लोग यहाँ पे अभी कल आए हुए हैं। हम लोग का प्रोग्राम यहाँ 3 और 4 जुलाई के लिए है और 6 और 7 के लिए लखनऊ के लिए है। यहाँ पे हम लोग का स्पर्श आउटरीच में एक्चुअली पेंशनर के आइडेंटिफिकेशन इश्यूज़ के लिए भेजा गया है, ताकि जिन पेंशनर्स के अगर जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा, उनकी पेंशन रुकने को है, तो उनको कम्प्लीट करा जाए। नेक्स्ट है कि हम लोगों को इस प्रोग्राम में ये भी कहा गया है कि आप पेंशनर्स को पहुंच करके उनके जो भी, चाहे नॉन माइग्रेटेड केसेस हों स्पर्श के, चाहे माइग्रेटेड केसेस हों, उनको आप जो है ट्रेस करते हुए उनको ऑन द स्पॉट सेटलमेंट करिए। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट कर सकें या तो वहाँ सिस्टम के थ्रू सेटलमेंट करिए, यदि नहीं होता है तो आप उनको पर्सनली ले आइए और यहाँ पे कंसर्न सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको सेटल करना है, जिससे कि पेंशनर्स को स्पर्श में माइग्रेट होने के बाद कोई ग्रीवांस न रहे, जिनको अभी जो है हैसल और फ्री इसको स्पर्श को बनाना है, जिससे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम न रहे। जो पेंशनर्स फील कर रहे हैं कि अभी सिस्टम माइग्रेट हो गया है लिगेसी से स्पर्श में, तो ये आगे इनको पेंशनर को फील ना करना पड़े और उनको रहे, कन्वीनियंट रहे उनके लिए, यूजर फ्रेंडली करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। मैं एक्स हवलदार के एस रावत, मैं एक सर्विसमैन का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और मैं प्रशंसा करूँगा जो हमारे कर्नल बैटन कर्नल विनोद साहब हैं, हमारे सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राघव साहब हैं और हमारी सी डी ए की टीम, जो जिन्होंने यहाँ पर आकर के और हमारे लोगों की समस्याओं को तत्काल उसके समाधान की कोशिश की है। मैं आप लोगों की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि किसी के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं है, उनको पेंशन नहीं आ रही है, किसी की कोई ग्रीवेंसेज है, किसी का डाटा अपडेट नहीं है, किसी का पीपीओ अपडेट नहीं है, किसी का आधार कार्ड अपडेट नहीं है। इन सारी समस्याओं को लेकर के आप लोगों ने जो यहाँ पे पहल की है, मैं सारी अपनी फौज की टीम को, अपने सैनिक कल्याण अधिकारी उनकी टीम को और सीडीए की टीम को, सारी पूर्व सैनिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, आइंदा जब भी हमारे बीच में सीडीए की टीम आए तो कम से कम अपना जो सॉफ्टवेयर है, जो अपना कंप्यूटर है, उसको साथ में लेके आएँ, ताकि कोई ग्रेवेंसेस उसमें पेंडिंग ना रह जाए। मेरे तो एक डिस्चार्ज, डेट ऑफ डिस्चार्ज में डिफरेंस था, वो डेट ऑफ डिस्चार्ज के लिए उन्होंने लॉग ऑन कर लिया है, देखो क्या होता आगे, अभी वो फाइनल नहीं हो पाया क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा उसमें। अभी कई प्रकार की समस्याएं हैं, किसी की
लाइफ सर्टिफिकेट नहीं अपडेट नहीं है, किसी का पीपीओ अपडेट नहीं है, किसी का आधार अपडेट नहीं है, किसी का पैन अपडेट नहीं है, ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पे हमारा ECHS और हमारा वेटरन्स ब्रांच के सभी लोग कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी बात है। परंतु CDA की टीम से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया जो आइंदा जब भी आएँ अपना पूरा सॉफ्टवेयर अपना सिस्टम साथ लेके आएँ, ताकि फिर पेंडिंग में कोई काम ना रहे। धन्यवाद।